थोड़े नाल एक वादा है कि अज तो 11 महीनों बाद जिवें कोई जोगी हुंदे आ इस जहर नूं असीं चूस लांगे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। यूएस मीडिया वालों असी अज एक होर वीडियो जड़ी अपडेट करन लगे हां, ओ भी पंजाब दे इलेक्शन दे उपर ही है। असी ऑलरेडी एक वीडियो जड़ी यूके तो बनी है ऑलरेडी अपडेट कीती है, ओही गल्लां असी इस अपनी वीडियो विच भी कर लगे हां। मिस्टर मनप्रीत बादल दी रैली दे विच ओह किस तरह कह रहे ने कि असी जहर जिहड़ा तुहाडा असी पी जावांगे, असी जोगी आ। गल तुसी सोचनी है, मेरे वीर कोई गुस्सा ना करे क्योंकि असी मनप्रीत दे बादल दे अगेंस्ट नहीं है, असी कोई दूसरे बादल दे हक विच नहीं है, जां असी किसे कांग्रेस दे हक विच नहीं है। पर जिस तरह असी ना ही कोई इस इलेक्शन विच ही असी कोई स्पेशल वीडियोज पा रहे हैं, असी जिस पहलां तों ही अपनियां वीडियोज वख वख इशू दे उपर पाउंदे हां, सोचना तुसी आ, तुसी सोचना। हुण देखण वाली गल इह है कि सब तों पहलां तां मिस्टर मनप्रीत बादल वल्लों उस कामरेड विचारधारा नाल अपनी सांझ वधाउणी, जिहड़ी कामरेड विचारधारा पंजाब दे अंदर पंजाब दे असली वारस पंजाब दी ओह कौम ओह सिख कौम जो गुरुआं ने साजी है उस दे हमेशा विरोध विच खड़ी है। फिर तुसी जानदे आ चंगा जां बुरा सारियां ही पार्टियां वल्लों हरिमंदर साहब जाके अपनी इलेक्शन दी रमता करनी इक रीत बन चुकी है, पर इस रीत नूं तोड़िया मिस्टर मनप्रीत बादल ने। लगता सी कि कामरेड नाल होण करके बयान आ गया कि मैं हरिमंदर साहब नहीं जावांगा क्योंकि पी 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 एक धर्म निरपक्ष पार्टी है। उस तो पहलां मिस्टर मनप्रीत बादल कहिंदा मैं जो पंजाब दे नाल जो सिखां दे नाल होया उस दे बारे कोई गल नहीं करूंगा क्योंकि इह धर्म निरपक्ष पार्टी है। तो फिर चाहिदा मिस्टर मनप्रीत बादल नूं इह सी कि इस पार्टी नूं किसे रशिया दे किसे कोने विच जाके बनाउंदे, पंजाब दे लोकां दी पंजाब दी सिख कौम दी अगर गल नहीं करनी, उन्हां दे दुखां दी गल नहीं करनी, तां उस नूं कोई हक नहीं है इत्थों वोटां मंगण दा। पर गल कई वारी समझ नहीं आउंदी सी, पर इन्हां गल्लां चों सानूं समझ लैणा चाहीदा है कि क्यों मिस्टर मनप्रीत दी मजबूरी है इहो जिहियां गल्लां करना, क्योंकि पी 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 दा जो प्रेजिडेंट है प्रधान है ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਹਨ, ਔਰ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹਨ ਜੋ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਆਦਮੀ ਹਨ, ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਮੂਹਰਲੇ ਕਤਾਰ ਦੇ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਟ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜੋ ਇਸ ਪੀ 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 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਉੱਠਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇੱਥੇ 12-12, 13-13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਐਮ ਐਲ ਏ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮ ਪੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਪੀ 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 ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਾਮਰੇਡ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਸ਼ਰਮਾ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਢਾਲ ਲਾਉਣੀ ਸੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਘਟਾਉਣੀ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਸਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਚ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿਚ ਮਰੀ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਧਰ ਉਧਰ ਭਟਕਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਸਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਐਂਟਰੀ ਮਿਸਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਲਿਓ।
की एंट्री किस तरह हुई सी। और मिस्टर मनप्रीत बादल का यह कहना कि मैं धर्म निरपक्ष पार्टी हां, मैं सिखी की गल नहीं करूंगा, मैं हरिमंदर साहब नहीं जाऊंगा, मिस्टर मनप्रीत बादल वालों यह कहना कि 1984 नूं असीं भुल चुके हां। दूसरे पासे शहीद भगत सिंह की समाधि दे उपर जाके पखंड करने, ड्रामेबाजी करनी, शहीदां दा नां लै लैके, तां 1984 दे अंदर जिहड़े शहीद होए ओह शहीद नहीं, उन्हां दा नां नहीं लैणा चाहुंदा, क्योंकि मिस्टर मनप्रीत बादल उत्थों तक ही गल करनी चाहुंदा है जिथों तक इस पार्टी की फंडिंग करने वाले RSS इस पार्टी के प्रधान शर्मा जी इन्हां नूं याचत दिंदे ने। मिस्टर मनप्रीत बादल हरिमंदर साहब नहीं जाना चाहुंदा क्योंकि धर्म निरपक्ष है, पर दुर्गयाणा मंदिर मिस्टर मनप्रीत बादल जांदा मत्था टेकन वास्ते। मिस्टर मनप्रीत बादल सिख कौम दे उपर 27 साल होए जुल्म दी गल करनी नहीं चाहुंदा क्योंकि उह सिख धर्म नाल रिलेटड सी। मिस्टर मनप्रीत बादल सिख धर्म दा मक्का हरिमंदर साहब ढाउण ढाए दी गल नहीं करना चाहुंदा क्योंकि उह धर्म नाल रिलेटड सी। पर मिस्टर मनप्रीत बादल एक धर्म निरपक्ष पार्टी होने के बावजूद अपनी चोन प्रक्रिया हवन करा के करा रहा, तो इथों तुहानू सारयां नू समझ आ जानी चाहीदी है इस कामरेड प्लस RSS दी फंडिंग, RSS दा इस पार्टी दा प्रेजिडेंट शर्मा उस दी विचारधारा दे नाल मिस्टर मनप्रीत बादल किस तरह अगे जा रहा है। मिस्टर मनप्रीत बादल जिस भगत सिंह दी गल करदा, जिस भगत सिंह दी मिट्टी चक के पिंड दे उहदे अपने सिर नाल लाउंदा, उस भगत सिंह दे भाणजे कुलजीत सिंह टट दी कदे इसने गल ना कीती है ते ना करूगा, क्योंकि भगत सिंह दी विचारधारा दे नाल मिस्टर मनप्रीत बादल नहीं चलदा। भगत सिंह दी विचारधारा दे नाल भगत सिंह दा भाणजा कुलजीत सिंह टट चलिया सी, जिस नूं इस गांधीवाद सिस्टम ने, इस गांधीवाद देश ने, इस गांधीवाद अतवाद ने खत्म कर दिता। भगत सिंह दे भाणजे कुलजीत सिंह टट नूं इन्हां ने फेक एनकाउंटर दे विच मारिया। गल बड़ी क्लीयर हो जाती है। मिस्टर मनप्रीत बादल बार बार अन्ना हजारे की गल करता है। मिस्टर मनप्रीत बादल कहिंदा मैं अन्ना हजारी दे कदमां ते चलूंगा। मिस्टर मनप्रीत बादल गांधी दे कदमां ते चलदा है, गांधी नूं अपना आईकोन मानदा है, और अन्ना हजारे भी गांधी नूं अपना आईकोन मानदा है। और तुहानूं सब नूं पता है कि मोहन लाल करमचंद गांधी, जिस नूं असीं गांधी करके अजकल ज्यादा जाणदे हां, उस आदमी ने भगत सिंह नूं कहा सी कि इह इक अतवादी है। शहीद भगत सिंह नूं फांसी लवाउण वाला गांधी सी, और अगर मनप्रीत बादल गांधी नूं अपना आईकोन मानदा, अन्ना हजारे नूं अपना आईकोन मानदा, और भगत सिंह दे भाणजे कुलजीत सिंह टट दा नां लैण लई तैयार नहीं, तां तुहानूं समझ आना चाहीदा है कि भगत सिंह दे पिंड जा के मिट्टी चकनी, भगत सिंह दी फोटो चकनी, सब कुछ ड्रामा है। जिहड़ा भी भगत सिंह दी विचारधारा दे उपर चलूगा, उस नूं जिस तरह भगत सिंह दी विचारधारा उपर चले हुए उसके भाणजे कुलजीत सिंह टट नूं एक अतवादी कह के मार दिता गया है, ये मनप्रीत बादल गांधी नूं अपना आईकोन मनन वाला, गांधी दे असूलां ते चलन वाला भी भगत सिंह दे कदमां ते चलन वालियां नूं अतवादी कह के मारूगा। बहुत ही डेंजर पार्टी है। यह ना सोचना कि असीं नहीं चाहुंदे कि मनप्रीत बादल दी सरकार बने, प्रकाश सिंह बादल दी बन जाए जां कैप्टन दी बन जाए। असीं वार वार यह कह रहे हैं कि उस सिस्टम दे अंदर, उस गुलाम सिस्टम दे अंदर, साडे पंजाब गुलाम दे अंदर सरकार जिस दी भी बने, जिस दे भी बंदे जित्तन, वह उस दे ही जित्तणगे जो उस सिस्टम दे नाल जुड़े हुए हैं, चाहे उत्थे कांग्रेस पार्टी होवे, चाहे यह RSS दा नवा बादल एजेंडा ग्रुप PPP होवे, ते चाहे दूसरा भाजपा विच रल चुकिया बादल दल RSS दा। हुण पहलां असीं कहिंदे हुंदे सी कि ए ते बी टीमां हन, ए ते बी टीमां RSS दीआं हिंदुस्तान दे लैवल ते हन, कांग्रेस एंड BJP, और पंजाब दे अंदर उन्हां ने 3 टीमां कायम कर लईआं, ABC बादल दल ते मनप्रीत बादल दी PPP ते कांग्रेस, तिन्नों ही पंजाब और पंजाब दे लई और साडे उस महान धर्म दे लई जो गुरु गोबिंद सिंह दी सोच है उस दे लई तिन्नों ही घातक हन, जो
उस दे उपर पहरा देने वाले लोग हन, जो पार्टियां हन उन्हां दे लीडर अज भाई दलजीत सिंह बिट्टू वर्गे जेलां दे विच बंद किते होए हन, ते जां सिमरजीत सिंह मान वर्गियां दियां न्यूज़ तक नहीं लगन दित्तियां जांदियां। उन्हां दा मखौल बना बना के लोकां दे दिमाग विच इस तरह दा कीड़ा भर दित्ता गया कि मान अकाली दल नूं तां वोट पाउण दा मतलब ही नहीं, तां जित्तना ही नहीं।